छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मिली जमानत, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। 13 जून को फैसला रखा गया था सुरक्षित, जहां जमीन घोटाले मामले में अभी तक वे जेल में थे। बड़गाई अंचल भूमि को अवैध तरीके से कब्जा करने का इन पर आरोप लगा था और लगातार ये जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन अब इन्हें जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत, झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत 13 जून को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और जमीन घोटाले का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर बड़गाई अंचल भूमि को अवैध तरीके से कब्जा करने का इन पर आरोप लगा था और उसके बाद ये फरार भी हो गए थे, इनको ढूंढा गया और उसके बाद इन्हें जेल में कैद किया गया। और खबर दुर्ग से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बेजुबान के साथ बेरहमी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। निबई थाने में दर्ज हुई एफआईआर, डॉगी के बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा था। पीटने का वीडियो सामने आया था, न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। और एक फिर से तस्वीर भी आप देख लीजिए, जब डॉगी के छोटे से बच्चे को बुरी तरीके से मारा गया और उसे मार मार कर मार डाला गया। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गया। मिथिलेश, आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, डॉगी के छोटे बच्चे को मारने का पूरा घटनाक्रम है। जी बिल्कुल, ये पूरी जो मामला है जो भिलाई के रिसारी क्षेत्र का है, जहां पर एक पिता और पुत्र लगातार एक कुत्ते के बच्चे को मारते थे, जिसका वीडियो जो है वो वायरल हो रहा था, जिसे न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद में अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और दोनों के खिलाफ में अपराध दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। इस मामले में क्षेत्रवासियों ने बताया था कि जो कुत्ते के बच्चे हैं उन पर पिता पुत्र लगातार अत्याचार करते हैं, और ऐसे ही कुछ जब वीडियो में देखा गया तो एक कुत्ते के बच्चे को किस तरह से बर्बरतापूर्वक उसमें डंडे से प्रहार किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था। क्यों मारा जा रहा था मिथिलेश, कोई जानकारी मिल पाई है? कुत्ते का छोटा बच्चा है, वो तो किसी को काट भी नहीं सकता है, उसको मारा क्यों जा रहा था? देखिए, ये अक्सर देखा गया है कि कई लोग जो ऐसे होते हैं जो बेजुबान है उन पर अत्याचार करते हैं, इनकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है ये एक समझ से परे है, क्योंकि कई लोग कुछ इनमें से ही ऐसे लोग होते हैं जो पशु प्रेमी भी होते हैं, जो कभी कोई तकलीफ में होता है तो उनको दवा देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो दोनों की अपनी अपनी मन स्थिति होती है। कुछ प्यार करने वाले होते हैं, कुछ अत्याचार करने वाले होते हैं, ऐसे में से एक ये जो लोग थे जो बच्चे, जो कुत्ते के बच्चे जो कुछ नहीं भी कर पाते थे उनको, तब भी उन पर अत्याचार किया जा रहा था, डंडे से मारपीट किया जा रहा था, और यही कारण रहा कि अब जो है इनके खिलाफ में एफआईआर की गई है। अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और उसके बाद में आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि इस तरह के जो बेजुबानों के साथ में जो अत्याचार होता है वो दोबारा घटित ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से पिता और पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब मामले की तहकीकात की जा रही है। अंबिकापुर में खेत में महिला का शव मिला है और शव मिलने से सनसनी फैली। इलाके में रेप के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। घर से 50 मीटर दूर महिला की लाश बरामद की गई है। महिला के सिर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर खेत में महिला का शव मिला है और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, महिला की कोई पहचान हो पाई है क्या? जी, महिला की पहचान हो पाई है और वो उसी गांव कुड़ुम केला के ही रहने वाली है। सीतापुर थाना क्षेत्र में ये गांव लगता है और उसने घर से 50 मीटर दूरी पर इस महिला का शव मिला है। पुलिस, जैसे ही शव मिला है क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा पहलू ये सामने आया है कि कुछ लोगों को पुलिस ने शक के आधार पर इसको हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जिस दिन ये महिला गायब हुई थी उस दिन उसका पति कहीं काम से गया था और काम के बाद वो उस दिन घर रात में नहीं लौटा, और जिसके बाद से जो महिला थी वो गायब थी। और जब शव मिला है तो अब शव मिलने के बाद जिस तरह से उसकी लाश देखी गई है उससे रेप के बाद हत्या की आशंका लगा रहे हैं और उसी हिसाब से पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस हिरासत मिली है, पूछताछ कर रही है, अब आगे देखना होगा कि इसमें कौन दोषी है और किसको गिरफ्तार करते हैं पुलिस। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो इस तरीके से देखिए कि महिला का जो शव मिला है, इलाके में सनसनी है, आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में पुलिस जुट गई है।